देखो भाई कसम। ये बर्तन देखकर मुझे कैसा था ढाबा याद आ गया भाई। और पनीर फ्राई होने के बाद बिना किसी वेट के सीधा पानी में जाएंगे। करोड़पति के नाम से फेमस थी वो। अच्छा। मेरे पिताजी के पिताजी व्यापार चालू किया था आज से करीबन 150 साल पहले। 150 साल चैनल फूडी सांड गाइस। आपको पता है कि हम पिंक सिटी में हैं, जयपुर में हैं, और फिलहाल हम कवर करने जा रहे हैं यहाँ की सबसे फेमस दुकान महावीर रबड़ी भंडार की। अब भाई हर यूट्यूबर ने यहाँ की वीडियो बनाई हुई है, तो हम भी सोचे कि यहाँ पे आते हैं और यहाँ की आपको मेकिंग दिखाते हैं। इनका जो कारखाना है ना, बहुत ही अल्टीमेट क्वान्टिटी में यहाँ पर चीज़ें बनती है। तो आपको चलते हैं, पहले कारखाने में लेके जाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं कैसे कैसे यहाँ बनती हैं। यहाँ की फेमस है इनकी सब्ज़ी, जो आलू वगैरह मिक्स करके एक सब्ज़ी बनती है, और दूसरी इनकी रोटी। तो दोनों ट्राई करेंगे, टेस्ट करके बताएंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और चलिए हमारे साथ। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जियाँ हैं और मसाले हैं। क्या क्या डालते हैं इसमें? आलू है, टमाटर है, मिर्ची है, ठीक है, अदरक है, अच्छा, लहसुन है, और ये पिसकर नीचे आता रहता है। हाँ, ये ग्रेवी बन रहा है। ग्रेवी बन रहा है, ठीक है। ये आपके वही सब्जी जो आलू प्याज टमाटर की फेमस रहती है। आलू प्याज पनीर, आलू प्याज पनीर, मेजर का रोटी है, ठीक है भाई। और सब्जी यहाँ पे बनने जा रही है, अभी पनीर फ्राई होगा, कटिंग होगी, ठीक है। आलू प्याज और पनीर तीनों फ्राई होंगे पहले। ये देखिए भाई, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है पनीर की, आपने कभी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पनीर देखा तो बताइए, क्या बात है भाई। यहाँ पर आलू फ्राई हो चुके हैं, ये भी जाएंगे सब्जी के अंदर। और ये है यहाँ की ग्रेवी, ये मसाले वाली ग्रेवी है। जो पीसे हैं अभी। हाँ। क्या क्या डालते हैं इसमें? इसमें दही डाल के अभी, दही डालने के बाद में प्याज डलेगी, प्याज के बाद पनीर डलेगी, पनीर के बाद में ये आलू फ्राई वाले डलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब सब डल जाएगा तो इस बड़े से लोटे के अंदर जाएगा। हाँ, ठीक है। तो रबड़ी की लाइव मेकिंग यहाँ पे चल रही है, दूध उबाल उबाल के, मतलब बिल्कुल जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता है ना, तब तक आप इसको पकाते रहते हैं। हाँ, सही है। महावीर की रबड़ी भाई बड़ी फेमस है, आप देखिए एक बारी। मैंने कभी ऐसे रबड़ी नहीं बनते हुए देखी, चार चार जो बड़ी बड़ी कढ़ाई हैं। कितने कितने लीटर दूध डालते हो एक कढ़ाई में? 10-11 लीटर। 10-11 लीटर रहता है। कितना बच जाता है रबड़ी, कितने बन जाती है 10-11 लीटर से? 3 किलो। 3 किलो, ठीक है। 10-11 लीटर दूध में 3 किलो रबड़ी बनती है यहाँ। तो तेल यहाँ पे गर्म हो रहा है, अब ये सारे पनीर के पीस जाएंगे फ्राई होने के लिए। ये पनीर जो कि फ्राई होने जा रहे हैं, ये देखो भाई कसम, अभी सारे नहीं डले हैं, 1/3 डले हैं। 20 किलो पनीर डलते हैं 100 किलो, मतलब 50-60 किलो उन्होंने बोला है, लेकिन 20-30 किलो ऊपर भी हो जाती है सब्जी यहाँ पे। इसमें से 20 किलो तो पनीर पनीर ही हो गए। कैसा था ढाबा याद आ गया मुनीश भाई, बिल्कुल, मतलब लाइव मेकिंग जो चलती थी ना, बर्तन देखकर मुझे कैसा था ढाबा याद आ गया भाई। इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ पर दाल बनती थी, और यहाँ पर आलू प्याज की सब्ज़ी बनने वाली है। तो यहाँ पे भाई अपने पनीर फ्राई होने वाले हैं बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद ये पानी में जाएंगे? हाँ, पानी में देगा, पानी में से नुचेर के। हाँ, तब सब्जी में डालेंगे। अच्छा, डायरेक्ट पानी में डाल देंगे अभी? हाँ, ठीक है। पनीर फ्राई होने के बाद बिना किसी वेट के सीधा पानी में जाएंगे। सीधा ये ठंडा पानी रहता है? हाँ, ठीक है। इसका क्या कारण है? ये फूलेगा, फूल जाता है। हाँ, ठीक है। फिर आ चुके हैं इनके दूसरे डिपार्टमेंट में, जहाँ पे बेजड़ की रोटी मिलती है। अच्छा, बेजड़ की रोटी का मुझे ये तो पता है कि चने और जौ का आटा रहता है इसमें, और भी कुछ डालते हैं इसके अलावा? तीन चीज है, क्या क्या है? जौ, गेहूँ और चना। अच्छा, गेहूँ भी डालते हैं आप, ठीक है। ये पहले कढ़ाई में सीखते हैं? नहीं, उसमें बनाते थे खड़ेरी में, मटका में, मटके में, ठीक है। अब मटके में नहीं बनाते? अब ये फूट जाते, मिलते हैं नहीं सर्दियों में। ये बात तो सही है, मतलब मटके को उल्टा करके ये मटके को पूरा बनाते थे। सही है। अच्छा, मैंने सुना था कि यहाँ पे मतलब कोयले से भी पकती है। कोयला ही है। पहले आधी रोटी कढ़ाई में बनाएंगे आप, फिर आधी आप इस पे, ताकि कोयले का भी एक स्वाद आए अपना, ठीक है। इधर पचाते, इधर सेकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे हलवा भी है, ये मूंग दाल का हलवा है। हाँ जी। ये बनता किसमें, देसी घी वगैरह में? हाँ जी।
ठीक है, फेमस है आपकी रबड़ी, रबड़ी दिखाई मुझे एक बारी, ये रबड़ी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे बनती है, ठीक है, और फेमस है इनका भाई वही रोटी, बेजड़ की रोटी और सब्जी रहती है आपकी फेमस, ठीक है। दुकान को कितना टाइम हो गया? 150 साल। अरे भाई, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप होगी है जयपुर में, और अंकल जी ने बताया आपकी फोर्थ पीढ़ी है यहाँ पे, चौथी पीढ़ी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस, हमारे साथ शंभू कुमार जैन जी हैं जो कि ऑनर है इस शॉप के। सर कुछ बताइए, कैसे आपने स्टार्ट करा, और शायद आपके दादाजी ने स्टार्ट करा था ये? रबड़ी तो हमारी और दादा उन्होंने चालू करी थी 3 पीढ़ी पहले। अच्छा, रबड़ी का काम तो बहुत पुराना है, और आलू प्याज सब्जी और पनीर की सब्जी, रोटी बेजड़ की सब्जी का काम ये हमारे छोटे भाई ने, महावीर ने चालू किया था। दिमाग में उसके एक स्कीम थी, दिमाग के अंदर लोगों की एक आलू प्याज की सब्जी के एक चाह जो है ना, डिमांड, शुरू से एक आलू प्याज की सब्जी के शौकीन बहुत रहे हैं जयपुर शहर में। अच्छा, हमने चालू किया था तो हमने इसको 20 रुपये किलो से चालू की थी सब्जी। अच्छा, 20 रुपये के जी। बेजड़ की रोटी कहीं जयपुर में नहीं मिलती, तो फिर हमारे दिमाग में आई, तो हमने एक बेजड़ की रोटी को स्कीम लाए, इस तरीके से उस रोटी का निर्माण हमने चालू किया, और वो जयपुर शहर को और जयपुर वासियों को बहुत पसंद आया। आज उसकी इस तरह से चाल चली कि इस फर्म के नाम से आज जयपुर शहर में कई दुकानें नकली भी खुल चुकी हैं। अच्छा, डुप्लीकेट दुकानें भी बहुत खुल चुकी हैं। जी, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस फर्म के 4 चांद लगाए। रबड़ी का तो कारोबार बहुत पुराना है जयपुर शहर में, रबड़ी हमारे परदादा ने चालू करी थी। मेरे पिताश्री का नाम है कपूर, पहलवान कपूर चंद जी जैन, उनके पिताजी का नाम है भक्त परमानंद जी जैन, और उनके पिताजी का नाम है गणेशी लाल करोड़पति। अच्छा, करोड़पति के नाम से फेमस थे वो। अच्छा, मेरे पिताजी के पिताजी जी सर, उन्होंने ये व्यापार चालू किया था आज से करीबन 150 साल पहले। 150 साल। तो सब्जियों में मैं आपको दिखाता हूँ, राजस्थानी बेसन के गट्टे रहते हैं, ये तो भाई राजस्थान की जान है, ये तो मिलेंगे आपको यहाँ पे। और ये है राजस्थानी दाल, ये किसकी, चने की रहती है? किसकी दाल रहती है, चने की रहती है? चना सब मिक्स है, 5 तरह की दाल मिक्स। अच्छा। सो गाइस, हमारी आ चुकी है भाई ये फूड हेवन, राजस्थानी फूड हेवन रहेगा, और इसमें हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले तो बेजड़ की रोटी, ये एक रोटी मुझे लग रहा है 2 जनों के लिए भी इनफ रहेगी, साइज़ देखिए आप एक बार। फिर इनकी फेमस सब्ज़ी 320 रुपये किलो है, लेकिन ये कटोरी में लेंगे तो 50 से 60 रुपये की आपको मिलने वाली है। फिर दाल आ गई 50-60 रुपीज़ की, 30 रुपये की कढ़ी आ गई, 50 रुपये का गट्टा, 50 रुपये का हलवा, 20 रुपये का ग्लास और 50 रुपये की रबड़ी। शुरुआत करते हैं, पहले लेते हैं एक बेजड़ की रोटी और आलू की सब्जी से। ये रोटी बड़ी है साइज में, रोटा लगेगा आपको, और जो इसका आटा रहता है ना गाइस, जौ और क्या कहते हैं चने का रहता है, चने का आटा, तो ये थोड़ा लाइट रहता है, डाइजेशन काफ़ी इजीली हो जाता है इसका, तो जिसको मतलब वीट की रोटी, गेहूं की रोटी डाइजेस्ट नहीं होती, उसको ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। बहुत स्वादिष्ट, बिल्कुल देसी, सब्जी में बहुत कमाल है, रोटी का भी अपना अलग स्वाद आ रहा है। ये तो भाई अगर आप सिंपल खाते हैं ना तो भी आपको एक अलग टेस्ट मिलेगा। मैं फर्स्ट टाइम बेजड़ की रोटी खा रहा हूँ गाइस, मज़ेदार। सब्जी तो मैंने आपको दिखाई भाई, सब्जी में बहुत कुछ डला हुआ है, इतनी सारी सब्जियाँ इसमें है, पनीर है, आलू है, प्याज है। आइए सर आप बाकी पे आते हैं। यहाँ की राजस्थानी कढ़ी, खट्टी कढ़ी, दिस इज अमेजिंग यार। मुझे लगा इसका भी टेस्ट गुजराती कढ़ी जैसा होगा, थोड़ा मीठा होगा, नहीं खट्टी कढ़ी है, बढ़िया लग रहा है। बेसन का गट्टा ट्राई करते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर 35 रुपये की आप ये एक रोटी मंगाते हैं ना, 2 जनों के लिए इनफ रहेगी।
कट्टा थोड़ा हैवी रहता है खाने में। तो भाई वैसे तो सब्ज़ी यहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन जो फेमस रहेगी ना वो इसकी ये वाली सब्ज़ी रहेगी। तो अगर मैं आप बात करूँ कि कुछ नहीं मंगा रहा, तो आप ये वाली सब्ज़ी मंगा सकते हैं सिर्फ, और रोटी मंगा सकते हैं। दो जनों के लिए इनफ रहेगा, 70-80 रुपये में आप दो जनों का पेट भर सकते हैं। अब आते हैं अपने फेवरेट पार्ट पे, मीठे पर। शुरुआत करेंगे मूंग दाल का हलवा। चूँकि ठंड के टाइम पे ना अलग मज़ा देता है, एक ये और एक गुलाब जामुन। ये रबड़ी के अंदर मलाई आपको दिखेगी, लग रहा है कि रस मलाई वाली बात आ रही है। जो मलाई है रस मलाई से पतली रहेगी जो आप खाते हैं ना, पर अमेजिंग टेस्ट। सबसे पुरानी जो रहेगी इस शॉप की खासियत है वो है ये रबड़ी, 150 साल पुरानी है। तो आप बताएं आपको कौन सी चीज़ सबसे बड़ी लग रही है यहाँ पे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं करा तो ज़रूर कर दीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।